वेलकम टू उड़ान दी फ्लाई। आई एम बी एल यादव। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं नाउन पार्ट टू। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि नाउन पार्ट वन हो चुका है, आज हम स्टार्ट किए हैं नाउन पार्ट टू। तो अभी हमने आपने देखा होगा कि नाउन में हम टाइप्स ऑफ नाउन यानी काइंड्स ऑफ नाउन को लिए हैं, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन, जैसा कि आपने देखा होगा कि पार्ट वन में हमने प्रॉपर नाउन के बारे में हमने डिस्कस कर दिया था कि प्रॉपर नाउन क्या है। जो प्रॉपर नाउन का मेन पॉइंट था बच्चों, वो क्या था कि प्रॉपर नाउन को हम ऑलवेज, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, यानी कहाँ से स्टार्ट होता है वो हमेशा कैपिटल से शुरू होता है। राइट, बिगिन्स, इट बिगिन्स विथ कैपिटल लेटर। जैसे अगर आपको लिखना है, मान लीजिए बिहार, तो आपने ऐसे लिख दिया बिहार। ठीक है, अब ये गलत होता है बच्चों। बिहार को आपको कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है। राइट, ये है क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है। ठीक है, और कल हमने आपको बताया भी था कि प्रॉपर नाउन को कैसे, जैसे कल हमने यूनाइटेड स्टेट का क्वेश्चन दिया था, इसी तरह अगर मान लीजिए कि बच्चों इस तरह से हम देखें, हमने लिखा यहाँ पर कि गुलीवर, हमने दिया गुलीवर, गुलीवर ट्रेवल्स, ट्रेवल्स हैज बीन रेड बाई अस सेवरल टाइम्स। राइट, अब फिर हमने इसको ऐसे लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों? हमने लिखा कि गुलीवर, गुलीवर ट्रेवल्स, ट्रेवल्स आर फुल ऑफ अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन्स। राइट, अप्स एंड डाउन्स। अब यहाँ पर देखिए, दो सेंटेंस हमने दो तरीके से लिखा है, गुलीवर ट्रेवल्स। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, गुलीवर का जी कैपिटल से है और ट्रेवल का टी कैपिटल से है। देखिए, गुलीवर का जी और ट्रेवल का टी कैपिटल से है। इसका मतलब बच्चों, यहाँ पर ये जो है आपका, ये कौन सा नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। राइट, और इसलिए प्रॉपर नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ पर देखिए ये क्या लिया है? सिंगुलर वर्ब लिया है। लेकिन अगर हम ये बोले कि गुलीवर ट्रेवल्स आर फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, तो गुलीवर, यहाँ पर गुलीवर का जी तो कैपिटल से है। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, गुलीवर का जी तो कैपिटल से है लेकिन ट्रेवल का टी स्मॉल से, यानी गुलीवर की यात्राओं की बात कर रहा है। यहाँ पर ये गुलीवर्स ट्रेवल्स यानी कॉमन नाउन बन गया है। क्या बन गया है? कॉमन नाउन, और प्लूरल में यूज हो रहा है। गुलीवर की यात्राओं, गुलीवर की यात्राओं की बात कर रहा है। देखिए, ट्रेवल का टी, ट्रेवल का टी स्मॉल से है लेकिन यहाँ पर ट्रेवल का टी कैपिटल से है। बच्चों बोलिए, ट्रेवल का टी यहाँ पर क्या है? कैपिटल से है लेकिन यहाँ पर स्मॉल से है। इसका मतलब कि गुलीवर की यात्राओं की बात कर रहा है, यानी ये प्लूरल हो गया है, इसीलिए यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब किया है। लेकिन यहाँ पर ये कॉमन नाउन है, वो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लिया है। तो ध्यान रखिएगा कि ये प्रॉपर नाउन कैसे पता चला, क्योंकि देखिए कैपिटल में लिखा हुआ है लेकिन ये स्मॉल में लिखा है। देखिए, गुलीवर की यात्राएँ, गुलीवर की यात्राएँ, और गुलीवर का यहाँ पर जी तो कैपिटल से लिखना ही पड़ेगा। देखिए, प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन की खासियत ये होती है कि प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस के शुरू में हो, चाहे बीच में हो, चाहे अंत में हो, हमेशा वो कैपिटल से लिखा जाएगा। लेकिन कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन जब स्टार्टिंग में आता है तो कब, तभी वो प्लूरल हो सकता है। अगर बीच में आएगा या अंत में आएगा तो वो कैपिटल में नहीं हो सकता है। कॉमन नाउन सिर्फ स्टार्टिंग में कैपिटल हो सकता है, लेकिन बीच में या अंत में अगर कॉमन नाउन आएगा तो वो वहाँ पर कैपिटल में नहीं हो सकता। जैसे अगर आपने बोला कि बॉयज आर प्लेइंग, राइट, बॉयज आर प्लेइंग, अब बॉयज स्टार्टिंग में है ये, लेकिन अगर हम बोले हमने क्या बोला, आई
मेट मेनी बॉयज़। अब देखिए बॉयज़ यहाँ पर आएगा तो ये इस्तेमाल में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर रहेगा तो ये, लेकिन कॉमन नाउन के साथ ऐसा नहीं हुआ, ये प्रॉपर नाउन है इसलिए ऐसा हो रहा है, कैपिटल इस्तेमाल में हो रहा है, लेकिन प्रॉपर नाउन जहाँ भी आएगा वो हमेशा क्या हो रहेगा, कैपिटल में ही रहेगा। ठीक है, ये कहने का मतलब। अब आइए बच्चों नंबर टू, नंबर टू हम लेते हैं बच्चों, नंबर टू स्टार्ट करेंगे हम कॉमन नाउन से। कहाँ से बच्चों? कॉमन नाउन। तो पार्ट टू, पार्ट टू की स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे बच्चों? कॉमन नाउन से करेंगे। ठीक है, कॉमन नाउन नंबर टू। नंबर टू में क्या है बच्चों? कॉमन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको कहते हैं? कॉमन नाउन की डिफिनीशन पर आइए बच्चों। डिफिनीशन, पहली बात तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो हमारा प्रॉपर नाउन है और कॉमन नाउन में जो अंतर है, कि पहली बात तो कॉमन नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है, राइट। और प्रॉपर नाउन को हमेशा आप कैपिटल में लिखेंगे, लेकिन कॉमन नाउन में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये तभी लिखा जाएगा जब सेंटेंस के शुरू में होगा, अगर वहीं से सेंटेंस स्टार्ट होगा तब। तो कॉमन नाउन का क्या है कि डिफिनीशन क्या है, इट इज़ द नेम, इट इज़ द नेम ऑफ समथिंग, इट इज द नेम ऑफ समथिंग दैट इज कॉमन टू ऑल। क्या होगी डिफिनीशन? इट इज द नेम ऑफ समथिंग दैट इज कॉमन टू ऑल। यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कॉमन का मतलब होता है जिससे उसके संपूर्ण जाति का बोध हो। कॉमन नाउन का मतलब भी होता है जातिवाचक संज्ञा, इसको इसीलिए हिंदी में कहते हैं, जिससे उसके पूरी क्लास का बोध होता है, पूरी क्लास का बोध होता है, तो उसे क्या कहेंगे आप? कॉमन नाउन कहेंगे। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इट डिनोट्स कॉमन, इट डिनोट्स कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग, जो कॉमन पर्सन कॉमन प्लेस और कॉमन थिंग को डिनोट करता है। इट डिनोट्स कॉमन पर्सन कॉमन प्लेस और कॉमन थिंग, राइट। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमने क्या बोला, अकबर वाज दी ग्रेटेस्ट किंग, अकबर वाज दी ग्रेटेस्ट किंग, तो अकबर हमारा प्रॉपर नाउन है, लेकिन किंग से सभी किंग का बोध हो रहा है, इसलिए वो कॉमन नाउन हो जाए। अगर हमने बोला कि नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो नेहा से सिर्फ नेहा का बोध हो रहा है, यानी प्रॉपर नाउन, लेकिन गर्ल से क्या बोध हो रहा है कि वो उससे संपूर्ण जाति, यानी गर्ल से सभी गर्ल की का बात हो रही है। तो क्या है यहाँ पर, जिसे हमने बोला नेहा, नेहा से सिर्फ नेहा का बोध होगा, लेकिन अगर हमने बोले गर्ल, तो गर्ल से सभी गर्ल का बोध होगा, ठीक है, जिससे उसके संपूर्ण जाति का बोध होता है। तो अब यहाँ पर जैसे हमने बोला इट डिनोट्स कॉमन पर्सन कॉमन प्लेस और कॉमन थिंग की हम बात करते हैं, तो कॉमन पर्सन में क्या आएगा बच्चों? कॉमन पर्सन में क्या होगा? जैसे बॉय है, गर्ल है, बोलिए बॉय गर्ल मैन वोमेन, ये सब क्या है? बॉय गर्ल मैन वोमेन, ये सब क्या है बच्चों? सब आपका कॉमन पर्सन में हो जाएगा। कॉमन प्लेस में क्या होगा?
कॉमन प्लेस, अगर हम कॉमन प्लेस की बात करें बच्चों, तो कॉमन प्लेस में क्या है, जैसे हमने बोला विलेज, बोलिए विलेज, टाउन, सिटी, सिटी, ये सब क्या हैं कॉमन प्लेस। कॉमन थिंग की अगर हम बात करें, कॉमन थिंग, तो कॉमन थिंग में क्या है बच्चों, जैसे आपका टेबल है, चेयर है, बुक है, पेन है, ये सब क्या हो जाएगा, कॉमन थिंग ही तो है। बोलिए, अगर आपने बोला पेन, पेन से ये पेन तो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर आपने बोला रोटोमैक पेन, रेनाल्ड पेन, लिंक पेन, पार्कर पेन, तब वो कॉमन नाउन बने, तब वो प्रॉपर नाउन बनेगा। वैसे पेन से अगर सिर्फ पेन बोलेंगे तो पेन से सभी पेन का बोध हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है बच्चों, कॉमन पर्सन में क्या आएगा, बॉय, गर्ल्स, मैन, वोमेन, ये सब। कॉमन प्लेस में विलेज, टाउन, सिटी, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, सब क्या है कॉमन प्लेस। कॉमन थिंग में क्या है, टेबल, चेयर, बुक, पेन, ये सब क्या है आपका कॉमन थिंग्स है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वो क्या है, नोट में लिखेंगे आप लोग, नोट में क्या है, नंबर वन, इट कैन बी यूज इन प्लूरल फॉर्म, इट कैन बी यूज इन प्लूरल फॉर्म, हम प्लूरल फॉर्म में इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन का नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा क्या है, इट जनरली टेक्स आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स भी लेता है, आर्टिकल्स बिफोर इट, अपने पहले क्या लेता है, जनरली आर्टिकल्स भी लेता है, ठीक है। ये सिंगुलर से प्लूरल भी, इट कैन बी यूज इन प्लूरल फॉर्म, और इट जनरली टेक्स आर्टिकल्स बिफोर इट, ठीक है। सिंगुलर से प्लूरल भी बना सकते हैं, और उसके पहले आप आर्टिकल्स का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों है, क्या है, कॉमन नाउन की क्या है, ये प्रॉपर्टी है, ये दोनों काम इसके साथ आप कर सकते हो। जैसे कॉमन नाउन के पहले जनरली आर्टिकल्स का प्रयोग भी होता है, और ज़रूरत पड़ने पर हम इसका सिंगुलर से प्लूरल भी बना सकते हैं, लेकिन ये काम हम प्रॉपर नाउन में नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन का न तो सिंगुलर से प्लूरल बनता है, और न तो प्रॉपर नाउन के पहले जनरली आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आइए, यहाँ से कॉमन नाउन से अक्सर वैसे क्वेश्चन नहीं बनता है, जो क्वेश्चन टाइप्स ऑफ नाउन से बनता है वो मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन से ज़्यादा पूछता है, या तो प्रॉपर नाउन से। तो अब आइए, हम ले रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाउन है। कौन सा नाउन बच्चों, अब हम बात करेंगे नंबर थर्ड क्या है हमारा, नंबर थर्ड है हमारा मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन बच्चों, मटेरियल नाउन नंबर थर्ड। मटेरियल नाउन बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल नाउन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है अक्सर आपके एग्जाम में मटेरियल नाउन। तो देखिए बच्चों, मटेरियल नाउन क्या है कि अक्सर लोग बोल देते, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन, कॉटन, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। लेकिन बच्चों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मटेरियल नाउन तब बनेगा जब उससे हम कोई दूसरी वस्तु बनाते हैं, तब वो मटेरियल नाउन। जैसे अगर हम यहाँ पर बोलें कि यहाँ पर हमने बोला बच्चों, ध्यान रखिएगा कि ही थ्रू, ही थ्रू टू स्टोन्स इन द रिवर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है,
और दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा बच्चों इस तरह से कि दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन्स। फिर हमने बोला कि ही वाज इन आयरन्स, ठीक है। फिर हमने बोला, हाँ ठीक है, अब इसमें देखिए आप लोग यहाँ पर क्या है, ही थ्रू टू स्टोन्स इन द रिवर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, राइट। तो जब ये आया तो स्टोन में सोचा बच्चों ने कि स्टोन का प्लूरल, क्योंकि मटेरियल नाउन जो होता है वो प्लूरल में यूज नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर स्टोन देखिए, ही थ्रू टू स्टोन्स इन द रिवर, अगर हम ये बोलते, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा कि दैट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टेम्पल, दैट ब्यूटीफुल टेम्पल वाज मेड ऑफ स्टोन्स, मेड ऑफ स्टोन्स ये बोला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मटेरियल नाउन, ये मटेरियल नाउन स्टोन्स यहाँ पर कुछ बनने की बात नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इसको प्लूरल में यूज कर सकते हैं, ये सही है। लेकिन यहाँ पर जो हमने बोला कि दैट ब्यूटीफुल टेम्पल वाज मेड ऑफ स्टोन्स, राइट, यहाँ पर मेक के स्थान पर बल्कि आप लोग क्या यूज कर लें बच्चों, बिल्ट ऑफ कर दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, बिल्ट ऑफ, बिल्ट ऑफ स्टोन्स। अब यहाँ पर ये कह रहा कि ये जो दैट ब्यूटीफुल टेम्पल है वो किससे बनी है, पत्थर से बनी है। तो अब यहाँ पर बनने की बात कर रहा, मटेरियल नाउन से स्टोन से बनने की बात कर रहा, अब यहाँ पर इसका आप प्लूरल नहीं बनाओगे, लेकिन यहाँ पर ये प्लूरल सही है। जैसे यहाँ पर देखिए, दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन्स, अब यह चेयर किसकी बनी है, लोहे की बनी है। अब आयरन यहाँ पर अब मटेरियल नाउन है, अब क्या है बच्चों, ये यहाँ पर क्या है, मटेरियल नाउन है, इसलिए यहाँ पर आयरन का प्लूरल नहीं बनाओगे, क्या होगा, आयरन लिखोगे आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ही वाज इन आयरन्स, यहाँ पर आयरन्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, चेन हो गया, यानी हथकड़ी हो गया। आयरन का मतलब हथकड़ी भी होता, आयरन्स, जब आयरन्स बोलते हैं तो हथकड़ी के सेंस में, चेन के सेंस में, अब इसका आप प्लूरल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि क्या है मटेरियल नाउन, एक एक पहले हम डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद फिर हम इसको क्लियर करते हैं कि कैसे इसको आप, कब ये मटेरियल नाउन होगा और कब ये मटेरियल नाउन बच्चों नहीं होगा। जब हम इससे कुछ बनने की बात कहेंगे तब ये मटेरियल नाउन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, तब इसका प्लूरल नहीं बनाओगे, जब इससे कोई चीज़ बनने की हम बात करेंगे। अब आइए मटेरियल नाउन की पहले बच्चों हम डिफिनीशन नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मटेरियल नाउन क्या है, डिफिनीशन क्या है, इसमें लिखिए आप लोग पहले कि मटेरियल नाउन इज अ रॉ मटेरियल, मटेरियल नाउन इज अ रॉ मटेरियल, मटेरियल नाउन इज अ रॉ मटेरियल दैट दी थिंग्स, दैट द थिंग्स आर मेड ऑफ आर फ्रॉम। मटेरियल नाउन इज ए रॉ मटेरियल, मटेरियल नाउन इज ए रॉ मटेरियल दैट द थिंग्स आर मेड ऑफ आर मेड फ्रॉम।
मतलब मटेरियल नाउन रॉ मटेरियल है जिससे क्या है दूसरी वस्तु बनाई जाती है। जब उससे बनने की बात आएगी, कोई चीज़ बनने की बात आएगी, तब वो मटेरियल नाउन होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, मटेरियल नाउन क्या होता है कि ये अनकाउंटेबल, मटेरियल नाउन इज ए अनकाउंटेबल इन नेचर। मटेरियल नाउन इज अनकाउंटेबल इन नेचर सो इट डज नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म। इट डज नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, इसके बाद फिर लिखिए बच्चों क्या है कि मटेरियल नाउन, इसके बाद लाइन बदलकर फिर लिखिए मटेरियल नाउन डज नॉट टेक आर्टिकल्स बिफोर इट बट व्हेन इट इज अटैच्ड विथ प्लेस कामा इट टेक्स दी बिफोर इट। ठीक है, तो क्या है, मटेरियल नाउन इज रॉ मटेरियल दैट द थिंग्स आर मेड ऑफ आर फ्रॉम। इसके बाद क्या है, मटेरियल नाउन इज अनकाउंटेबल इन नेचर सो इट डज नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म, इसलिए ये प्लूरल में यूज नहीं होता है। इसके बाद क्या है, मटेरियल नाउन डज नॉट टेक आर्टिकल्स बिफोर इट बट व्हेन इट इज अटैच्ड विथ प्लेस, जब इसको किससे अटैच करते हैं, प्लेस से अटैच करते हैं, तो क्या करता है, इट टेक्स द यानी डिफिनिट आर्टिकल द बिफोर इट, तब ये अपने पहले क्या लेता है बच्चों, डिफिनिट आर्टिकल द लेता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या है, इट इज ऑलवेज मेजर्ड वेट और मेजर्ड, इसको या तो मापा या तौला जाता है, इट इज ऑलवेज वेट और मेजर्ड। ठीक है, अब आइए इसके बाद क्या है, अब हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम क्लियर करेंगे कि कैसे है मटेरियल नाउन। तो अब देखिए मटेरियल नाउन कब होता है, मटेरियल नाउन इज रॉ मटेरियल दैट द थिंग्स आर मेड ऑफ आर फ्रॉम, जब दूसरी वस्तु उससे क्या होगी बच्चों, बनाई जाएगी। अब आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसको किस तरह से हम समझेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब एग्जाम्पल पर फोकस करें आप लोग, तो एकदम ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये। ठीक है, अब आइए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, अगर हम बोलें कि दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन्स। ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया इस तरह से कि ही वॉज इन आयरन्स।
राइट, एक एक एग्जाम्पल को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन, बच्चों यहाँ पर बनने की बात कर रहा है, यह चेयर किससे बनी है, लोहे की बनी है। तो अब यहाँ पर यह मटेरियल नाउन है बच्चों, इसलिए यहाँ पर हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते, हम इसको क्या बोलेंगे, आयरन बोलेंगे। ये सही है, ये गलत है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, एक कंसेप्ट ये है कि कुछ मटेरियल नाउन ऐसे भी होते हैं जिसका क्या है, जब आप प्लूरल बनाते हैं तो उसकी मीनिंग बदल जाती है, ऐसा भी होता है। जनरली मटेरियल नाउन के जब आप प्लूरल बनाओगे या तो वो गलत हो जाएगा या तो फिर वो दूसरे सेंस में यूज होगा। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि ही वाज इन आयरन्स, इसका मतलब कि वह हथकड़ी में था। यहाँ पर आयरन्स का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आयरन्स का मतलब हथकड़ी की बात कर रहा है, चेन की बात कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पर सही है। यहाँ पर आयरन्स का मतलब हथकड़ी होता है, आयरन में जब यस लगा देते हैं तो वो हथकड़ी का भी सेंस देता है, तो चेन हो जाता है, आयरन्स का मतलब हथकड़ी हो जाता है, इसलिए अब ये सेंटेंस सही है, ठीक है। अब आइए बच्चों, अगर दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तीसरा एग्जाम्पल हमने बोला बच्चों इस तरह से, क्या हमने बोला कि ही थ्रू, ही थ्रू टू स्टोन्स इन द रिवर, राइट, इन द रिवर, ठीक है बच्चों। अब फिर इसके बाद हम बोल रहे हैं, फिर हमने बोला यहां पर नंबर फोर में हमने बोला कि दैट टेम्पल, दैट ब्यूटीफुल टेम्पल वाज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि उसने नदी में दो पत्थर फेंका, क्या कह रहा है बच्चों, ही थ्रू टू स्टोन्स इन द रिवर। अब यहां पर देखिए, स्टोन वैसे मटेरियल नाउन है, कब जब इससे कुछ बनने की बात करेंगे तब वो मटेरियल नाउन होगा, लेकिन यहां पर ये मटेरियल नाउन नहीं है। यहां पर वो कह रहा है कि उसने नदी में दो पत्थर फेंका, नदी में क्या किया, दो पत्थरों को क्या किया, फेंका, दो पत्थर फेंका। अब यहाँ पर कुछ बनने की बात नहीं कह रहा है, इसलिए यहाँ पर ये मटेरियल नाउन की तरह यूज नहीं हो रहा है, इसलिए ये मटेरियल नाउन की तरह यूज नहीं हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस आपका सही है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि दैट ब्यूटीफुल टेम्पल वाज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यह सुंदर जो मंदिर थी वो किससे बनी थी, पत्थरों से बनी थी, पत्थर से बनी थी। तो अब यहाँ पर बनने की बात कर रहा है, अब ये मटेरियल नाउन है यहाँ पर, अब यहाँ पर ये स्टोन मटेरियल नाउन है, इसलिए अब बच्चों यहाँ पर इसको आप प्लूरल नहीं बनाओगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, स्टोन लिखोगे, ये सही है, ये मेरे कहने का मतलब है। अब ये मटेरियल नाउन हो गया, क्योंकि इससे बनने की कुछ बात हो रहा है, क्योंकि हमने डिफिनीशन में लिखवाया है कि मटेरियल नाउन इज ए रॉ मटेरियल दैट द थिंग्स आर मेड ऑफ आर मेड फ्रॉम, ठीक है, जिससे दूसरी वस्तु बनाई जाएगी तब वो क्या होगा, तब वो मटेरियल नाउन होगा, ठीक है। आइए अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं बच्चों, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग क्या करें, क्वेश्चन को नोट करें जो है, ठीक है। अब देखिए, इससे हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आए हुए हैं, क्या है, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स,
इसके बाद लिखा है नो एरर, ए बी सी डी। नंबर टू है बच्चों इस तरह से, नंबर टू क्या है, ही वन टू गोल्ड्स लास्ट ईयर, लास्ट ईयर उसके बाद है नो एरर। ठीक है बच्चों, ही वन टू गोल्ड्स, टू गोल्ड्स लास्ट ईयर, इसके बाद फिर लिखा है आपका नो एरर। ठीक है बच्चों, इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड डी, ये दो क्वेश्चन मटेरियल नाउन के। ठीक है, अब यहां पर कह रहा दिस हाउस इज मेड ऑफ, देखिए बनने की बात कर रहा, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, राइट। तो यहां पर कुछ बनने की बात कर रहा है बच्चों, इसलिए यहां पर देखिए अब मटेरियल नाउन का हम प्लूरल यहां पर नहीं बनाएंगे, क्योंकि कुछ बनने की बात कर रहा है, घर बनने की बात कर रहा है, ब्रिक्स एंड स्टोन का मतलब, ब्रिक्स का मतलब ईंट पत्थर की बात कर रहा है, ईंट और पत्थरों की बात कर रहा है, तो ब्रिक एंड स्टोन भी हमारा कौन सा नाउन है बच्चों, मटेरियल नाउन ही है, तो यहाँ पर ब्रिक्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ब्रिक, क्योंकि बनने की बात कर रहा है ब्रिक, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो स्टोन्स है बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, स्टोन होगा, क्या होगा बच्चों, स्टोन होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा गलत था। ठीक है, ध्यान रखिएगा मटेरियल नाउन। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपके SSC में आया हुआ है बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, ही वन टू गोल्ड्स लास्ट ईयर। अब यहाँ पर देखिए, अभी अभी हमने बताया था बच्चों कि मटेरियल नाउन का पहली बात तो प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन किसी दूसरे सेंस में अगर ले रहे हैं आप, तब उसका प्लूरल बना सकते हैं, जैसे आयरन का मतलब लोहा होता है, लेकिन जब आयरन्स बोलते हैं तो वो हथकड़ी हो जाता है। इसी तरह गोल्ड, गोल्ड का मतलब बच्चों सोना होता है, ठीक है, अगर हम बोलें कि दिस ब्यूटीफुल रिंग वॉज मेड ऑफ गोल्ड, अब वहाँ पर हम गोल्ड्स नहीं बोल सकते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पर गोल्ड्स, गोल्ड्स का मतलब होता है गोल्ड मेडल का भी सेंस देता है, जैसे अक्सर देखा होगा न्यूज़पेपर में आता है कि उसने दो गोल्ड्स जीता, दो गोल्ड्स जीता का मतलब ये होता है कि उसने दो गोल्ड मेडल जीता, दो गोल्ड्स जीता इसका मतलब दो गोल्ड मेडल की बात कर रहा, उसने दो सोना जीता ऐसा नहीं बोल रहा है। इस सेंटेंस में देखिए कह रहा है कि ही वन टू गोल्ड्स लास्ट ईयर, उसने पिछले साल, उसने पिछले साल दो गोल्ड मेडल जीता, तो यहाँ पर गोल्ड्स बोलने का मतलब उसका किससे है, यहाँ पर गोल्ड बोलने का मतलब है बच्चों गोल्ड मेडल से है, बोलिए गोल्ड मेडल्स की वो बात कर रहा है, उस सेंस में यूज कर रहा है, इसलिए ये जो आपका क्वेश्चन है जो SSC में आया हुआ है, ये आपका नो एरर है। क्या है बच्चों, ये नो एरर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मटेरियल नाउन का प्लूरल आप नहीं बना सकते हो, लेकिन अगर दूसरे सेंस में यूज कर रहे हो, जैसे अभी हमने बताया था आपको एग्जाम्पल, जैसे गोल्ड का मतलब सोना होता है, गोल्ड्स का मतलब गोल्ड मेडल के सेंस में, गोल्ड का, गोल्ड अगर बोलोगे तो गोल्ड मेडल का सेंस देने लगता है, तो उस सेंस में आप क्या हो करोगे, उस सेंस में आप उसको प्लूरल, ये गोल्ड में यस लगेगा। जैसे अगर हमने ये बोला होता कि दैट ब्यूटीफुल रिंग वाज मेड ऑफ गोल्ड्स, गोल्ड्स, अब यहां पर गोल्ड में यस नहीं लगेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका क्या, मटेरियल नाउन। तो ध्यान रखिएगा, मटेरियल नाउन इज रॉ मटेरियल, दैट द थिंग्स आर मेड ऑफ।